That you think is what you communicate because it is an unconscious phenomenon. For example, right? अब ये thinking का process है. मुझे किसी ने कुछ कहा है यार ये कर दो और मैं सोचता हूँ. Now this thinking is going to influence the language. I don't think I can do that. You cannot speak a word unless you think it first. कानूनी कुदरत को समझे. कानूनी कुदरत क्या है? अब ये मैं आपको मेटाफिजिकल बात बता रहा हूं. अब ना हमने रूही पढ़ा, ना हमने इकबाल पढ़ा, ना हमें मिस्टिसिज्म का पता है. अगर आप मिस्टिसिज्म को पढ़े, लॉ ऑफ नेचर में से एक बड़ा अहम, जो भी था मैंने कभी किसी को नहीं पढ़ाया, सिर्फ बताता रहता हूं, पढ़ाया नहीं है. मिस्टिसिज्म, मेटाफिजिकल, छोटा यार, जो फिजिकल फिनोमेना से ऊपर के फिनोमेना हैं, यानी कि फिजिकल फिनोमेना ये आपके फिनोमेना, साइंस के फिनोमेना, मेटाफिजिकल रूहानियत के फिनोमेना. अगर आप ये पढ़े ना, ये कहती है कि एवरी सिंगल थिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का लॉ है. अगर आप इस लॉ को अंडरस्टैंड करें, दैट मीन्स कि इससे पहले के कभी रेडियो बना था, किसी ने इसको ख्यालों में बनाया था, इससे पहले कि आपकी पैदाइश हुई, यानी कि एवरी सिंगल थिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, ये पहले ख्याल में आप बन चुके थे. कुरान पाक इसको तस्दीक कर रहा है. दैट मीन्स कि आप कहें मैं चोरी कर रही, और जी मेरा की कसूर है, मैं मेरा सामने जज बैठा तो छुट्टर मारा, तेरा की कसूर है. तो अलामे पाके कहते थे, है आजादी अफकार से उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र और तदब्बुर का सलीका. वो फिक्र अगर खाम तो है आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका. मैं छित्र इसलिए मारूंगा कि सरकार ये चोरी का पहले सोचा तूने क्यों? कहते मैं नहीं सोचा. मैं कहता तू कर ही नहीं सकता, तू तो सोचे ना, क्योंकि आई नो the law, and the law says every single thing is created twice. Before it was actually, it came to the physical reality, it was thought process, metaphysical reality. और नामक बार ये तो कह रहे हैं कि खुदा दे वास्ते एक बंदे ने पुत्रा ने इतना सोचे ना तरीका ना सीख लो, क्योंकि अगर तुमने सोचने का तरीका ना सोचा तो तुम यही समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी खराब होती हो रही है. अल्लाह की तरफ से नहीं हो रही, तुम्हारी सोचो की. इसीलिए अहदीस में जिक्र है कि स्टे अवे फ्रॉम द बैड थिंकिंग, फ्रॉम द इल थिंकिंग, बिकॉज इट इज अ ग्रेटेस्ट फॉल्सहुड, सबसे बड़ा फितना इसी सोच की वजह से. वी जस्ट लेट इट गो ऊपरली. सो खुली आजादी अफकार से हम की तबाही, आजादी अफकार जो मर्जी सोचा, नहीं मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी. हम हमें किसी ने कभी तरीका, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने पढ़ा सोचने का तरीका? आज की डेट में रब एक बात तो कह रही है, सबसे बड़ा कितना हदीस भी कह रही है, उसके बावजूद अभी आज तक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं किया सोचने का तरीका, सोचने का सही तरीका. दैट शोज. तो ये लॉ ये बता रहा है कि थिंग्स आर क्रिएटेड. तो इसका मतलब ये है, व्हेन यू से समथिंग, व्हेन यू गो एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू समबडी, व्हेन यू एक्चुअली अटर द वर्ड, व्हाट यू आर गोइंग टू अटर, पहले ये सोच का प्रोसेस था, मेटाफिजिकल का. नहीं समझ आई? तो पहले आपको अपने दिमाग को ठीक करना पड़ेगा कम्युनिकेशन पे जाने से पहले. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चलता नजर आ रहा है, उन्होंने देखा ये जो आपने किया क्यों किया, मुझे सर बताएं, बताएं क्यों किया. तो नेगेटिव किसने एसोसिएशन लगाई?
आपके सामने ये दो बंदे खड़े हैं, ये चार खड़े हैं, कोई बंदा चलता हुआ आया है, एक ने इसको देख के मुंह मोड़ लिया, दूसरे ने उसको गाली दी, तीसरा भागता हुआ गले लग गया, फर्क बता देंगे। बुरी सोच जो आपके दिमाग के अंदर उस शख्स के बारे में सोच थी, उसने आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस किया। उसका क्या कसूर है? You told your mind and it changed the behavior. That means के 90% communication is unconscious. आपने तो सोचे नहीं, आपके खुद ही मुख्य बात बॉडी ऐसे हो गई, किसी को देख के वैसे ही रहते हैं, ये क्यों हुआ? The thinking you have about that person. Sir, experience based नहीं आती। वो एक ज्यादा बात है कि thinking क्यों किया आपने, आप उसको सेकंड रोक दें। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी, जो हम सरफेस पे बात करते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, उस वक्त हमने यही कहा था कि परसेप्शन, एनएलपी परसेप्शन को नहीं मानता, वो कहता है यू कंट्रोल योर परसेप्शन। ये सरफेस लेवल के ऊपर टक्कों के लिए समबडी इज कंट्रोलिंग योर परसेप्शन। सुनो मेरे बिने की तो मैं देखे ही आते सारे भैड़े लोग ने। दिस इज अ परसेप्शन विच यू टीच, विच दे टीच इन बिजनेस कम्युनिकेशन। But if you want to understand the real communication, then go back and see, look at the unconscious phenomenon, go to NLP. कि ये perception जो आप इसको justify करती है, people are different, they are living different realities. Yes, I know that. But who is controlling the perception? वो चीज control environment, prior experiences, फलाना background, education, खराब हो गया, I agree. मैं इसको भी मानता हूँ, लेकिन why did not you change the perception you have? And Allah made you in charge of changing the perception. And you can change the perception. जब कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है वो क्या है, अगर उसकी कोई बात बुरी लगे तो किसकी छाइयां, बीवी के बारे में हदीस में भी बड़ा जिक्र है और कुरान पाक में भी, अगर आप इनके कोई बात ऐसी तुम्हें बुरी लगती है, जरूरी नहीं बुरी हो, और जो अच्छी लगती है जरूरी नहीं अच्छी हो। इसी तरह बीवी की बात बुरी लग जाए तो देखो उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं। तो बेसिकली अल्लाह क्या करना चाह रहा है, अल्लाह आपको इशारा क्या दे रहा है, चेंज द परसेप्शन यू हैव।